हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब एजेस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे होली पर निबंध। तो होली पर मैं आपको आज 20 लाइनें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपन। पहली लाइन, होली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार 2 या 3 दिन तक चलता है। होलिका दहन से होली की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है।
इस दिन लोग सूखी लकड़ी और गोबर का ढेर रचाकर होली का दहन करते हैं। इसके साथ लोग इस अग्नि में सभी तरह के बुराइयां और अहंकार जलाते हैं। होली बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। होली के दूसरे दिन धुलंडी धुरंडी धूलिवंदन और धूल खेल कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यह त्यौहार खुशी और उमंगों का त्यौहार है।
इस दिन लोग अपनी उम्र भूलकर होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारे और पिचकारी से होली खेलते हैं। होली के रंग हमें सभी को आपस में जोड़ते हैं। सबके घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को होली की बधाइयां देते हैं। सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत होली से होती है।
यह त्यौहार हमें एकता, स्नेह, प्यार और भाईचारा का संदेश देता है। सचमुच मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको टोटल 20 लाइनें बताई हैं होली पर। तो फ्रेंड्स, मेरी ये 20 लाइन आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।